1 2 3 कर दो। तो गाइस ये की थाली में रखनी पड़ेगी। आई हुआ कैसा लग रहा है आपको नई गाड़ी में बैठ के? अच्छा फील हो रहा है। गाइस ये सारी डिलीवरी की गाड़ियां खड़ी है। हुआ चलना नहीं है क्या? आओ यार, कितना टाइम लगाओगे? पिताजी की पत्ते और दूब ले लिए हम लोगों ने। भाई आ जाओ यार, बैठो यार, बैठो। गाइस फाइनली हम लोग शोरूम में पहुंच चुके हैं और ये पीछे शोरूम है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस आज है धनतेरस। सो आई विश यू हैप्पी धनतेरस एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली। सो गाइस आज आप लोग क्या लेने वाले हो धनतेरस के दिन? सो कमेंट करके जरूर बताना आज आप लोग क्या लेने वाले हो। सो गाइस आज हम लोग लेने वाले हैं एक ब्रांड न्यू कार, और ये ब्रांड न्यू कार होगी टाटा की। सो आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं, बट अभी तक मेरे को ही नहीं पता कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है, बट वहाँ जाके देखेंगे कौन सी गाड़ी है। सो ये पुफा जी का सरप्राइज है, देखते हैं वहाँ चल के। भाजी है ये भैया, वो अपनी टाइटन खड़ी है, और भुआ है वो अंदर की साइड है। बुआ चलना नहीं है क्या? आओ यार, कितना टाइम लगाओगे? तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम लोग चलेंगे 200 फीट बाईपास। मुस्कुराए, ये बुलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे कि भाई आ जाओ यार, बैठो यार, बैठो। तो चलो बुआ कम। सो हमारी बुआ भी रेडी हो गई है, और बुआ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाड़ी में बैठो, चलो। तो गाइस गाड़ी में बैठ गए, आपका भाई बैठेगा पीछे के साइड। तो चलो बैठते हैं। नहीं मैं साइड में बैठूंगा, मैं बीच में नहीं बैठने वाला। तो रुको यार, तो गाइस तुलसा जी के पत्ते ले लेते हैं और धूप ले लेते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं और धूप। सो गाइस तुलसा जी के पत्ते और धूप ले लिए हम लोगों ने, और ये देते हैं बुआ को। लो बुआ आ जाए। सो उधर बैठते हैं। सो गाइस हम लोग घर से निकल गए, और अभी हम लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगी पहुंचने के लिए। सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेट करते रहो, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आज, ऐसे क्या ही बताऊं आपको, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फाइनली हम लोग शोरूम में पहुंच चुके हैं, और ये पीछे शोरूम है और मेंबर्स है वो अभी उतर रहे हैं। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन सी कार है कौन सी नहीं है। अभी पुफा जी बता नहीं रहे कौन सी गाड़ी ले रही हैं, अभी इनका सरप्राइज है ये थोड़ा, तो अभी तक बताया नहीं इन्होंने, तो देखते हैं। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, और इधर टाटा की गाड़ी है सारी, ये न्यू नेक्सॉन, नेक्सॉन पंच, और ये ईवी टाटा टियागो। तो गाइस अभी जो डॉक्यूमेंटली जो वर्क होगा वो पहले वर्क किया जाएगा, उसके बाद में गाड़ी है वो अपने को डिलीवर की जाएगी। सो गाइस ये होगी मेरे अकॉर्डिंग ये टाटा टियागो यही होगी, पता चल गया गाड़ी टाटा टियागो लेंगे। सो या तो पीछे खड़ी है वही होगी, या फिर देखते हैं कौन सी है। तो गाइस मेरे पीछे खड़ी है टाटा हैरियर न्यू वाली, बहुत ही खतरनाक लुक आ रहा है इस गाड़ी का। ये देखो गाड़ी साफ कितनी छेड़ लग रही है, और इधर खड़ी है टाटा नेक्सॉन, इसका भी शानदार दिखा रहा है, एरिया की सिमिलर ही है। लेते हैं जल्दी से गाड़ी की डिलीवरी। सो गाइस हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ना वो अपनी नीचे खड़ी है। सो नीचे चलते हैं। सो गाइस अभी वो लोग डॉक्यूमेंट का जितना भी वर्क हो रहा है वो कर रहे हैं, और उसके बाद में हमें गाड़ी डिलीवरी करेंगे। सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट गाड़ी बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। तो गाइस अभी डॉक्यूमेंट्री का वर्क चल रहा है, जो पुफा जी उस सिग्नेचर कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दी गई है। तो गाइस थोड़े दिन मैंने सोचा मैंने गाड़ी को डिलीवर करने वाले हैं, सो अभी दूसरों की डिलीवरी चल रही है, इस चक्कर में हम उसको पूरा वर्क करेंगे, फिर अपना नंबर आएगा, फिर अपने को डिलीवर करेंगे। सो गाइस ये सारी डिलीवरी की गाड़ियाँ खड़ी है। सो ये गाड़ी की डिलीवरी नीचे की साइड करते हैं, वो टाटा टियागो तो चली गई, इस गाड़ी को तो उन्होंने डिलीवर कर दिया, और बाकी अब हम लोग बचे हैं और एक फैमिली और है जो कि ऊपर है। सो देखते हैं कितनी देर में करते हैं। तो गाइस गाड़ी पे कवर लगा हुआ है, सो पता नहीं लग रहा कौन सी है गाड़ी, तो पीछे गाड़ी खड़ी है, देखते हैं अभी कौन सी क्या है। तो बुआ इधर खड़ी होगी, बुआ जी इधर खड़े होंगे। अभी रुको अभी रुको अभी रुको,
सो 1 2 3 बोलूंगा तब 1 2 3 कर दो बोरिया बोरिया। तो गाइस गाड़ी की डिलीवरी हो गई है और ये है अपनी टाटा टियागो ग्रे कलर में। तो बहुत ही नाइस लुक आ रहा है गाड़ी का और बुआ है जो कि डोर खोल रही है। सो बुआ खींचो इसको डोर खोलो इसका खोलो कर लो ओपन कर लो क्या दिक्कत है। ये हमारी गाड़ी की की है इतनी बड़ी की है इसको पीछे डिग्गी में रखना पड़ेगा जब गाड़ी चलेगी तो ये पीछे डिग्गी में रखी जाएगी। तो सब की दे रहे हैं अभी तो बुआ अंदर बैठ गई गाड़ी के अंदर। तो बुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। भैया ना की लगा रहे गाड़ी में और ये गाड़ी को स्टार्ट करवा रहे बुआ से। बुआ इसको घुमाओ तो घुमाओ एक एक पॉइंट और अच्छा बिना क्लच कैसे होगी ना क्लच दबाना पड़ेगा। सो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गई है बिल्कुल भी ट्यूनिंग नहीं है गाड़ी में एकदम साइलेंट गाड़ी है बिल्कुल साइलेंट। तो ये खुशी का मौका है बहुत ही नाइस। तो बुआ उतर गई है क्योंकि बुआ को गाड़ी चलानी आती है नहीं तो अब भैया बैठेंगे और वो ड्राइव करेंगे। सो गाइस अब गिफ्ट देंगे ये इनकी कंपनी की तरफ से गिफ्ट होता है तो सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर थैंक यू फॉर न्यू डिलीवरी। तो इनको रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है गोपा जी की तरफ से। तो गाइस अभी गाड़ी को चेक करा जा रहा है ये अपनी गाड़ी है टाटा टियागो। सो अभी इसको चेक कर रहे हैं आगे है बुआ को ना दीदी बिठा रही बुआ बैठो अंदर की साइड। तो बुआ अंदर बैठ रही है और ये टाटा टियागो ग्रे कलर में नाइस कलर लगता है मेरे को इस गाड़ी का ये। और ये इसकी क्रोम पट्टी हो गई और भैया जो डॉक्यूमेंट्री चेक कर रहे हैं इसकी। और ये हमारे फूफा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड धोक धोक एंड फादर जी धोक। तो गाइस खुशी का मौका है सब खुश हो रखे हैं और मैं लेके चलूँगा अपनी i10 जो कि वहाँ खड़ी है और बाकी सारे इसमें जाएंगे तो इनको जाने दो अपना i10 से चलेंगे। चलो i10 से चलते हैं बाय बाय आ रहे हैं गाड़ी लेके। तो गाइस ये अपनी i10 गाइस फाइनली हम लोगों ने गाड़ी ले ली है और अब हम चलेंगे गणेश जी के। तो वहाँ जाके गाड़ी की कराएंगे पूजा और उसके बाद चलेंगे घर। सो अब मिलेंगे अपन सीधे गणेश जी के और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है सो मेरे को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही। सो अब सीधे गणेश जी के मिलेंगे पूजा वूजा कराएंगे फिर घर मिलेंगे। और ये अपने सामने थार है ये भी बेटा अभी गाड़ी नहीं निकलवा के लाया और ट्रैफिक लग रहा है बढ़िया वाला। और भाई अपने को देख स्माइल कर रहे हैं। तो गाइस अभी टियागो में पेट्रोल डलवा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कंपनी वाले 5 लीटर पेट्रोल देते हैं गाड़ी में जब डिलीवर करते हैं तो अब एक्स्ट्रा डलाने के लिए अपन पेट्रोल पंप पे आ गए पेट्रोल डला रहे हैं गाड़ी में। और ये पेट्रोल का जो स्विच आता है वो इधर है भाई। बुआ कैसा लग रहा है आपको नई गाड़ी में बैठ के अच्छा फील हो रहा है। पेट्रोल डला दिया अब वो निकलेंगे अपन गाड़ी को घुमाते हैं और चलते हैं। तो है गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर और यहाँ कराएंगे गाड़ी की पूजा। सो पापा और बुआ जी उन प्रसाद देने गए। तो गाइस चलो मंदिर में चलते हैं पहले दर्शन करते हैं महाराज के उसके बाद में कराएंगे पूजा। तो पहले जो लड्डू का भोग है वो पहले गणेश जी को चढ़ता है उसके बाद में गाड़ी की पूजा पूजा होती है। तो गाइस ये की थाली में रखनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी की पूजा कराने हैं तो ये तो इम्पोर्टेंट है तो इसको थाली में रखनी है। तो गाइस गणेश जी महाराज के दर्शन कर लो ये गणपति पप्पा मोरिया महाराज आ चुके हैं और ये सत्या है जो बना रहे हैं। तो गाइस महाराज ने भोग लगा दिया है। तो गाइस महाराज ने पूजा वूजा कर दी है और महाराज को जो दक्षिणा है वो दे दी गई है। तो गाइस ये गाड़ी के टायर के नीचे रखा जाएगा नारियल। गाइस फाइनली पहुंच गए घर और जो भैया है वो पीछे है तो वो भी आने वाले हैं और ये भैया आ गए।
तो गाइस गाड़ी की पार्टी का छोटा मोटा अभी तो नाश्ता आ गया और अभी हम जाएंगे बाहर गाड़ी की बड़ी पार्टी लेने। सो गाइस अब अपन मिलेंगे बहुत ही जल्द इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय और सी यू।